Acid attacks have continued in India despite laws in place to prevent them. The ease of access and availability of acid has meant that women like Reahma Khatun are made to suffer. She was a victim of an acid attack in 2014. The law is no deterrent. As the year draws to a close, it is Times Now's endeavor to bring you inspirational stories. And when we talk about heroes, who better than Reahma Khatun, the acid attack survivor, the brave girl whose story India needs to know. जब मुझे acid attack हुआ, तो मेरी दोनों आँखों की vision चली गई थी, तो मैं कुछ देख नहीं पा रही थी. तो जब मुझे 4 month में हॉस्पिटल में रही, ना मैं कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी. अभी तो मैं फिर भी देख पा रही हूँ. उस टाइम देखने के लायक भी हूँ, उस टाइम उतना भी नहीं था, क्योंकि मेरी फेस पूरा जल के ब्लैक हो गया था और बहुत बड़ा सा होता है ना, वैसा हो गया था. तो काफ़ी सर्जरीज हुई मेरी फेस में, 22 सर्जरीज कम्प्लीट हुई है मेरी फेस की, हाथों की, और मेरी आईज़ की 9 सर्जरी कंप्लीट हुई है. कि वहाँ के जो पुलिस थे, मैंने उनको पूछा कि सर, मतलब कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, 4 month में आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? एक इंडियन आर्मी में है और मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैंने अपना चेहरा खो दिया, और आप लोगों ने 4 month में उसे कैसे छोड़ दिया? तो पुलिस वालों का जवाब ऐसा था कि मैं आज तक भूल ही नहीं पा रही. पुलिस ने मुझे ये रिप्लाई किया, अरे मैडम, 4 month बहुत ज़्यादा होता है, आप 4 month जेल में रह के देखो, पता चलेगा आपको. उसने अपना सजा काट लिया 4 month का. डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने सेल करना एसिड को बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी केसेस में कोई कम नंबर नहीं है, अभी भी उतने ही हो रहे हैं जितने हो रहे हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि अगर डेथ पेनल्टी हो, अगर इस क्राइम की डेथ पेनल्टी हो, कैपिटल पनिशमेंट हो, आपको लगता है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैम, वो तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा जो सरकार है अभी और जो इसका कोर्ट का फैसला ये लेते, क्योंकि 4 month इतनी आसानी से बेल मिलना ये अच्छी बात नहीं है. पूरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ 3 lakh rupees दे रहा है. मतलब हमारी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई, उसका कीमत सिर्फ 3 lakh rupees तो नहीं होता. एटलीस्ट ऐसे लोगों को एक सरकारी जॉब दे दो, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रह सके. उनके पास घर नहीं, तो एटलीस्ट उनको हेल्प करो कि उनका घर वो ले सके. ऐसी लड़के को कहीं आराम से जॉब भी नहीं मिलता है. मैं काफ़ी बहुत इंटरव्यू में गई हूँ, लेकिन बहुत जगह तो मुझे ये बोल के जॉब नहीं दिया गया कि इनका फेस ऐसा ख़राब है, वो ठीक से देख नहीं सकती, नहीं कर पाएगी ये वो. अगर फेस हमारा ख़राब है, तो ये गलती हमारी नहीं है और हम ज़्यादा स्पेशल है. इट वॉज इन द ईयर 2013 दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड बैन द सेल ऑफ एसिड फॉर पब्लिक, बट 5 years ऑन द ग्राउंड रियलिटी कंटिन्यूज टू बी एज करोसिव एंड एज एसिडिक एज एवर बिफोर. The latest statistics revealed by the Acid Survivors Foundation of India claim that there are about 250 to 300 cases reported from India every single year. Now, this is an absolute underestimation, as so many cases go unreported. The most staggering figures coming in from Uttar Pradesh. These figures are clear indication of the fact that in our country, in India, it is so easy to get away with a crime as gruesome as scarring somebody for life. The least that these victims deserve is justice and closure. And the only step towards achieving this is capital punishment for acid attacks. And that is the hope that these survivors have for the coming year.